हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए मूंगफली की चटनी। तो देखिए, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी मूंगफली की चटनी आज बनने वाली है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 3/4 कटोरी अपनी मूंगफली के दाने। अब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें लीजिएगा। अब मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं एक पैन लूँगी, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 हमारे गार्लिक के पीसेस, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी हरी मिर्च। 1-2 मैंने हरी मिर्च ले लिया, उसे काट लिया है अच्छे से। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसमें मेरा एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, जिसे मैंने 4 भागों में काट लिया। मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोस्टेड मूँगफली और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच जीरा, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे भुने हुए चने, 2 से 3 चम्मच मैंने भुने चने ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी जो मैंने भिगा के रखा था इमली, उस इमली को मैं 1-2 चम्मच ऐड कर दूँगी। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी फ्रेंड्स नमक स्वाद अनुसार आपको मिक्स करना है। अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे धनिया के पत्ते, फ्रेश धनिया के पत्ते हैं। अब मैं इसे पीस लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें देंगे तड़का। तड़के के लिए मैं इसमें एक पैन लूँगी। इस पैन में मैंने 1 से 2 चम्मच ऑयल लिया है। अब राई के दाने डाल दूँगी इसमें। ये देखिए राई के दाने कितने अच्छे से फूट रहे हैं, 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी खड़ी लाल मिर्च जो सूखी हुई है, वो मैं ऐड करूँगी। ये देखिए ये भी हो चुका है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें हमारी हींग। हींग बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ी सी हींग, 1 पिंच हींग मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मीठी नीम के पत्ते। ये देखिए वाह, क्या तड़का आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे पेस्ट जो मैंने मूंगफली का पेस्ट रेडी किया था, ये देखिए। अब मैं इसमें अच्छे से पेस्ट को मिक्स कर दूँगी, ये देखिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी प्रॉपरली वे से। आपको पूरे अच्छे से मिक्स करना है ताकि तड़का पूरे चटनी में आ जाए। ये देखिए मेरा चटनी तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।